close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hey guys, welcome back to my channel Stylish Spy. So आज हम करने वाले हैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट जो मैंने सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट्स की हेल्प से ही क्रिएट किया है. और ये इतना सिंपल मेकअप लुक है कि इसे कोई भी क्रिएट कर सकता है. आई कैन क्रिएट इट एंड यू कैन डेफिनेटली क्रिएट इट बिकॉज मैं मेकअप में बहुत ही वर्स्ट हूँ. सो ये सिर्फ 3 से 4 प्रोडक्ट्स में ही क्रिएट किया गया मेकअप लुक है. इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी नहीं यूज़ किया है. एंड इफ़ यू हैव अ डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन है तो बहुत ईजिली आपका जो है हाइड हो सकता है विद दिस मेकअप लुक. एज यू कैन सी मैं आपको जूम करके थोड़ा फेस दिखा रही हूँ तो मेरे कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है लाइक दिस. और बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है. इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिस वेयर अगर आपको ऑफिस जाना है डेली बेसिस पर आप तो इसे अप्लाई कर सकते हैं. नॉर्मल थोड़ी बहुत अगर पार्टी शार्टी है छोटी मोटी सा कुछ ओकेजन है तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये किसी भी ड्रेस के साथ जाएगा. सो इतना सिंपल सा मेकअप लुक है तो देखते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो एज यू कैन सी माई फेस इज़ टोटली क्लीन नाउ. और अब सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे प्राइमर. सो यहाँ पे मैं आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रही हूँ कि आप एज अ प्राइमर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एलोवेरा जेल राइट नाउ सो आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं. सो करेंटली मेरे पास यहाँ पर है पतंजलि का एलोवेरा जेल एज यू कैन सी. सो मैं ये अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और ये बहुत ही अच्छा एज अ प्राइमर काम करता है. सो आपको अपने उन एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है जो बहुत ज़्यादा पैची है बिकॉज अगर आप मेकअप कोई अप्लाई करते हैं तो अगर आपका पैची स्किन होगा जैसे कि मेरा जो टारगेट एरिया है वो है मेरे नोज़ एरिया के अराउंड प्लस मेरे माउथ एरिया के अराउंड. तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपका कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर आपको ज़्यादा टारगेट करना है. सो अच्छे से हम उसको अप्लाई कर लेंगे. एंड इट्स डन. तो ये जो मेकअप लुक होने वाला है इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज़ करेंगे कोई कंसीलर नहीं यूज़ करेंगे. बट अगर सपोज आपके डार्क स्पॉट्स है कहीं कहीं पे लाइक जैसे मेरा ये एक हल्का सा स्पॉट है तो इनको स्पॉट्स को हम हाइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोई सी भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम. आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सी भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं. बट मैं जो यहाँ यूज़ करने वाली हूँ वो है पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम. सो इसका शेड है 01. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज इट देन यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो इसको हम ले लेंगे थोड़ा सा. सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको कभी भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम बिकॉज हम फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप समर्स आ गए हैं और अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना आपके स्किन पर तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा पैच हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद आपको इतना स्वेट हो जाता है कि वो सारा फाउंडेशन बह जाएगा. और जो बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन आते हैं जो स्वेट प्रूफ होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं बट वो इतना भी वर्क नहीं करते. सो ये लुक ऐसा है कि आप डेली में भी अप्लाई कर सकते हैं फिर कॉलेज गोइंग आप तभी अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको इतना ही बीबी क्रीम लेना है. ऐसा नहीं है कि आप बीबी क्रीम ही लगा रहे हैं तो पूरा भर के बीबी क्रीम आपने फेस पर अप्लाई कर लिया. सो जो आपके एरिया ऐसे हैं जो ज़्यादा डार्क हैं वहाँ पर आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस. अब आप इसे ब्लेंड करने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं. बट मैं यहाँ पर अपने हाथों से ही आपको इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी. सो आई होप आप देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा अच्छा कवरेज है. इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपके कोई भी अगर स्पॉट्स हैं तो वो हाइड नहीं होंगे. इसने सारे ही स्पॉट्स को हाइड कर दिया है काफ़ी अच्छे से. ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. आप कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग. सो मेरी स्किन व्हाइटिश है तो मैं 01 शेड में यूज़ कर रही हूँ. सो आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ एज यू कैन सी मैंने बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है और मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है. सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट. आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट अगेन यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो कोई सा भी लूज़ पाउडर एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी लूज़ पाउडर तो जो नॉर्मल पाउडर होता है वो भी आप लगा सकते हैं. ये हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा मेकअप सेट हो जाए एंड बेसिकली आपको अगर स्वेट ज़्यादा आता है तो वो ना हो उसके लिए होता है ये. बहुत हल्का सा आपको लगाना होता है लाइक दिस क्योंकि ये रोज़ फॉर्म में है तो ये बहुत ही पिंकिश सा ग्लो दे रहा है.
अच्छा, आपको आपके ना नेक एरिया को नहीं भूलना है, सो आपको आपके नेक एरिया पे भी अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है ताकि कलर टोन का डिफरेंस ना आए। सो अगर आप अपनी आईब्रोज नहीं करना चाहते हैं और आपकी आईब्रोज इतनी भी ज़्यादा लाइट नहीं है लाइक माई आईब्रोज, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने आईब्रोज को थोड़ा सा ऐसे रब करेंगे तो अगर आपकी आईब्रो के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ मेकअप गया होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। क्योंकि मैं जनरली आईब्रोज वगैरह करना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू वांट टू डू तो आप उस केस में कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मैंने नहीं किया है तो आपको नहीं करना है, बट फिर वही होता है कि वो नो मेकअप मेकअप लुक में नहीं आता है, तो सिंपल आप इसे ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की मैट लिपस्टिक और इसका शेड है अगेन 10, इसका शेड है 10। सो आप इसे अप्लाई कर लीजिए, आप कोई से भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप लिप शेड अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मिरर। सो आई एम डन विद माई लिप शेड। अगर आप चाहें तो आप काजल अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ अपने मेकअप लुक को ख़त्म करूँगी विद द हेल्प ऑफ मस्कारा। सो गाइज, एज यू कैन सी माई मेकअप लुक इज़ नाउ कम्प्लीट, और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है लाइक विद माई इयररिंग्स एंड ऑल। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइज, आई होप आपको ये मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये इतना जल्दी क्रिएट हो जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हरी है कहीं जल्दी आज आपको जाना है, आपके पास इतना सामान नहीं है, इतना तामझाम करने का टाइम नहीं है, तो आप इसे बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में मेकअप लुक क्रिएट हो गया तो बेकार लगेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एज यू कैन सी माई सेल्फ आई मीन आई एम लुकिंग सो क्यूट। सो या सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर लाइक लेजी एंड डोंट वांट टू डू अ मेकअप, और फिर भी उनको मतलब इफ़ दे वांट टू डू अ नो मेकअप मेकअप लुक, सो आप उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिएगा सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो, ताकि आपसे मिस ना हो पाए ऐसे अमेजिंग वीडियोज़। एंड गाइज, एज आई लाइक लव योर कमेंट्स, बिकॉज यही मुझे मोटिवेट करते हैं अमेजिंग वीडियोज़ बनाने के लिए। सो अब मैंने कुछ सोचा है वो ये कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी, जो मेरी लास्ट वीडियो होगी अपडेटेड, उस पर जो भी बेस्ट 3 कॉमेंट्स होंगे उनको मैं फ्लैश करूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको भी उससे काफ़ी अच्छा लगे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा, या फिर अगर आप ऐसे कोई अच्छे से वीडियोज़ चाहते हैं मुझसे, सो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय।